अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनोमैडिक। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा 10 कंट्री है जो अपना पासपोर्ट सेल कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि वो लोग अपना पासपोर्ट सेल कर रहे हैं। क्या बेनिफिट है, रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ, और अमाउंट क्या है वो भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताने वाला हूँ। पर इससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये जान लिए मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ऐसे कंट्री में जो फ्री हो जाएगा आपके लिए। बहुत ऐसा कंट्री रहेगा जो बिल्कुल आप फ्री में जा सकते हैं। सेकेंड है, आपको 10 तरीके का टैक्स नहीं देना होगा, बिल्कुल नहीं देना होगा। जैसे हर कंट्री में 10 तरीके का टैक्स होता है ना, वो नहीं रहेगा यहाँ। और आपका यहाँ प्राइवेसी रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, और आपका रहेगा कि आपको मौका मिलेगा कि आप रह सकते हैं डिफरेंट कंट्री में, वहाँ काम कर सकते हैं, उनका मीन्स कल्चर देख सकते हैं, नया जगह देख सकते हैं। बहुत ऐसा बेनिफिट है। और लास्ट समझिए कि प्लान बी की तरह है, क्या है कि अगर आपके ओन कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जहां आप रहते थे, तो आप यहां आराम से रह सकते हैं, आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहला कंट्री है टर्की। टर्की जो ऑफर कर रहा है सिटीजनशिप, वो भी डिफरेंट वे में। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा डिफरेंट तरीका है। फर्स्ट है बैंक डिपॉजिट करना होगा, उसमें आपको सिंपली $50,000 आपको डिपॉजिट करना होगा, और ये भी टर्की के बैंक अकाउंट में करना होगा, आपको यहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगा। सेकेंड है रियल स्टेट में आपको पैसा लगाना होगा, यहाँ लगेगा आपको $40,000 टर्की का। तो यहाँ आपको 6 से 5 महीने में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। थर्ड है फिक्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ आपको सिर्फ फिक्स करना है $50,000, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा यहाँ का सिटीजनशिप। ये हो गया टर्की का। सेकेंड कंट्री है कनाडा, ये कंट्री है ईस्टर्न कैरेबियन में, और सिटीजनशिप प्रोग्राम के साथ इस कंट्री में एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है जिसको कहते हैं स्पाइस आइलैंड। आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे इस चीज़ को। यहाँ भी 3 तरीके का सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। फर्स्ट है डोनेशन ऑप्शन, यहाँ आपको $1,50,000 डोनेट करना होगा नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में, देन आपको ईजिली मिल जाएगा 6 महीने के अंदर में सिटीजनशिप। देखिए सेकेंड है रियल स्टेट, यहाँ आपको इन्वेस्ट करना होगा $2,20,000, और देन आपको यहाँ का फीस है $50,000, टोटल मिला के हो जाता है $3,00,000। अगर आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 6 महीने के अंदर में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। थर्ड जो है ना, एक्सेस टू यूएस ई वीज़ा। अगर आप ग्रेनेडा का सिटीजनशिप बन गए, अगर आप ग्रेनेडा का सिटीजनशिप हो गए, तो आपके पास एक्सेस रहेगा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस में, और आप वहाँ रह सकते हैं यूएस में जितना सपोर्टेबल टाइम तक आप चाहें, उतना दिन तक आप रह सकते हैं यूएस में। ये बहुत यूनिक चीज़ है जो हर कंट्री में नहीं मिला है। देखिए थर्ड कंट्री जो है माल्टा, ये ऑफर कर रहा है बेस्ट पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए। जो माल्टीज नहीं है उनके लिए, वो यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। अब बात करेंगे आपको कैसे मिलेगा सिटीजनशिप। आप ऑब्टेन कर सकते हैं माल्टीज सिटीजनशिप कंट्रीब्यूट के जरिए, मीन्स आपको पैसा देना होगा। कितना देना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो है $1,000,000 आप यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, जो यूरोज में होता है $700,000 आपको यहाँ मिल जाएगा पासपोर्ट। रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फाइनल डोनेशन के अलावा आपको यहाँ रेंट पे लेना होगा या परचेज करना होगा रियल स्टेट में, घर या कुछ आपको खरीदना होगा। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा माल्टा से रिलेशनशिप, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आप लोग रियल स्टेट में घर खरीदें। आप रह सकते हैं वहाँ पे जितना आप चाहें, अगर आप घर भी ले लीजिएगा तो एक तरीके से आप वहाँ रह भी सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 12 से 24 महीना लग जाता है आपको यहाँ का सिटीजनशिप बनने में, ये याद रखिएगा, पर होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि फोर्थ है जॉर्डन, यहाँ आपको 1,000,000 डिपॉजिट करना है जॉर्डन के बैंक में, और इसके अलावा आपको 3 साल मेंटेन भी करना है वो 1,000,000। आप चाहें उसको निकाल के खर्च कीजिए, जो करना है कीजिए, पर 3 साल के अंदर में वहाँ 1,000,000 आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट में, तो आपको मिल सकता है जॉर्डन का सिटीजनशिप। फिफ्थ जो है ना, वो नॉर्थ मैकेडोनिया है, ये कंट्री ऑफर कर रहा है सिटीजनशिप। अगर आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे,
कितना इन्वेस्ट करना है आपको, $200,000 इतना आपको इन्वेस्ट करना होगा। बट अभी तक एक भी कोई भी पब्लिकली नहीं बोला है कि उनको सिटीजनशिप मिल चुका है। पता नहीं, ये कंट्री तो ऑफर कर रहा है कि मिल्स दे रहे हैं हम लोग, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, कोई पब्लिकली नहीं बोला है। बट जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो 5 साल के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा बिना इंटरेस्ट का। ये याद रखिए, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा आपको मिल जाएगा। एक चूज़न फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना होगा, वो लोग का एक फंड होता है, वो बता देंगे आपको, आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा कितना, $200,000। अगर 5 साल के बाद वो पैसा भी मिल जाएगा बिना इंटरेस्ट के, बट पब्लिकली अभी तक कोई नहीं बोला है कि हमको मिल चुका है यहाँ का पासपोर्ट या सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा नॉर्थ मैकेडोनिया का। 6th कंट्री है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया प्रोवाइड कर रहा है दोनों, एक रियल स्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप डोनेशन भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। डोनेशन ऑप्शन के बारे में देखिए, सेंट लूसिया में ना आपको इन्वेस्ट करना होगा $100,000, वो भी कहाँ, नेशनल इकोनॉमिक फंड में। देन आप 6 महीने के अंदर में सिटीजनशिप बन जाइएगा यहाँ के। सेकंड आता है रियल स्टेट ऑप्शन, यहाँ एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना होगा $300,000। ठीक है, देन आप यहाँ पे आराम से बन जाइएगा यहाँ के सिटीजनशिप, पर वो करना होगा लोकल रियल स्टेट से, लोकल जो होते नहीं है उससे करना होगा। देखिए 7th है एंटीगुआ एंड बारबाडा, ये ट्विन आइलैंड नेशन है, ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप प्रोग्राम और बहुत ही यूनिक ऑप्शन है यहाँ का, बहुत जबरदस्त। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है इनका डोनेशन ऑप्शन। डोनेशन ऑप्शन में ये है कि आपको यहाँ $100,000 डोनेट करना होगा, वो भी नेशनल डेवलपमेंट फंड में, और प्लस 30,000 आपको फीस देना होगा। जब आप 30,000 फीस दीजिएगा ना, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा 6 महीने के अंदर में। सेकंड ऑप्शन है रियल स्टेट, बट बहुत डिफरेंट वे है। यहाँ दो लोग मिलके ज्वाइंट होकर के यहाँ रियल स्टेट में आप कुछ खरीद सकते हैं। कितना लगेगा, $400,000। 400 में 200,000 फर्स्ट इन्वेस्ट जो फर्स्ट है, और जो सेकंड रहेगा उसको $200,000, दोनों मिला करके वहाँ लैंड खरीद सकते हैं। और ये कोई फैमिली मेंबर का सिर्फ नहीं होना चाहिए, अगर आपके दोस्त हैं तो वो भी मिला करके खरीद सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर हो तो जरूरी है, नहीं, मीन्स आपके दोस्त, आपके घर वाले या आपके भाई, कोई भी मिलके खरीद सकते हैं। देखिए 8th है मॉन्टीनेग्रो, ये बैल्कन कंट्री है, बैल्कन कहते हैं माउंटेन को, और ये भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है। अब थोड़ा डिफरेंट वे है, डिफरेंट वे ये है कि ये लोकेशन वाइज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कोस्टल एंड कैपिटल रीजन में लीजिएगा तो आपको इन्वेस्ट करना होगा 450,000 यूरो, और अगर आप सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन में लीजिएगा तो यहाँ आपको इन्वेस्ट करना होगा 250,000 यूरो, और एडिशनली आपको पे करना होगा 100,000 यूरो एप्लीकेशन फीस गवर्नमेंट को। आपका टोटल हो जाएगा 700,000 यूरो। तो ये एक प्रोसेस है, आप यहाँ आराम से सिटीजनशिप ले सकते हैं। 9th है डोमिनिका, आइलैंड नेशन है, डोमिनिका ऑफर कर रहा है सिटीजनशिप, वो भी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में, कैरिबियन में आता है ये। ठीक है, कैरिबियन कंट्री है डोमिनिका, तो यहाँ भी थोड़ा डिफरेंट वे है और बेनिफिट भी है यहाँ। देखिए फर्स्ट डोनेशन ऑप्शन, देखिए आपको $100,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा डोमिनिका के इकोनॉमिक डाइवर्जन फंड में, और डाइवर्जन को आप एक्सपैंड भी कह सकते हैं, खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, डाइवर्जन के बारे में। और यहाँ आपको 5 से 7 महीने में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, अगर आप $100,000 मिनिमम आप इन्वेस्ट कीजिएगा वहाँ। तो देखिए सेकेंड है रियल स्टेट ऑप्शन, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं $200,000। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो रियल स्टेट में। और इस वीज़ा का बेनिफिट ये है कि वीज़ा फ्री एक्सेस रहेगा चाइना का, डोमिनिका ग्रांट करता है फ्री वीज़ा एक्सेस चाइना के लिए। देखिए इस वीज़ा का बेनिफिट ये है कि आप फ्री एक्सेस ले सकते हैं चाइना का, जो बहुत कम कंट्री के पास होगा फ्री एक्सेस चाइना की, वो चाइना जा सकते हैं। ठीक है, और ये ऑफर करता है ट्रैवल बेनिफिट कि आप आराम से जा सकते हैं मोस्ट पॉपुलर कंट्री में, मींस चाइना तो एक बहुत पॉपुलर कंट्री है ना, आप आराम से जा सकते हैं चाइना में, और बहुत रेयर कंट्री होगा कि जो चाइना में फ्री एक्सेस देता होगा, कोई ऐसा कंट्री नहीं है, बट आपको डोमिनिका देता है।
टेंथ कंट्री जो है वो है सेंट किट एंड नेविस। यहाँ आपको इन्वेस्ट करना होगा $150,000 इनके सस्टेनेबल ग्रोथ फंड में, और ये डोनेशन में चला जाएगा तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। बट हाँ, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप बहुत सारा कंट्री फ्री में घूम सकते हैं, और बेनिफिट के साथ, फ्रीडम के साथ आराम से आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दो तरीका है यहाँ का भी इन्वेस्टमेंट का। फर्स्ट डोनेशन ऑप्शन जो मैं आपको बता दिया हूँ, $150,000 डोनेट करना होगा सस्टेनेबल ग्रोथ में, 6 से 7 महीने के अंदर में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, पर जो पैसा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन जो है वो है रियल स्टेट ऑप्शन। यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल स्टेट में, आप खरीद सकते हैं जिसका वर्थ होगा $200,000। अगर आप बेचेंगे 7 साल के बाद तो वो हो जाएगा $400,000। अगर आप 5 साल के अंदर में बेचेंगे तो आपको वही प्राइस मिलेगा। तो ये एक तरीके से रिस्क है, तो अगर आप ये करना चाहेंगे तो आप सोच समझ के कीजिएगा। तो ये था पूरा 10 कंट्री जो मैं आपको बता दिया हूँ जो अपना पासपोर्ट सेल कर रहा है, मीन्स बेच रहा है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।